हेलो दोस्तों, दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको इसकी स्पीड को 2x या 1.75x कर लेना है ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो आज हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस को और थोड़ी सी एक और स्टेप हम इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जैसे सब्जेक्ट है आपके पास दिया है मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर, आपको इनको टोटल करना है। तो आपके पास दो तरीके बताए थे मैंने, एक तो सम कीजिए और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए और ये आपको सम बता देगा, ठीक है। एक तो वे ये है और सेकंड वे आपका ऑटो सम पे जाइए और एंटर मार दीजिए, ठीक है। तो इससे आपको एक एडिशन का फॉर्मुला मिला। अब सपोज करिए यहाँ पे लिखा है सेविंग, ये सुशील है, इसका सेविंग लिखा, एक्सपेंडिचर लिखा और आपको बुलाया कि सैलरी बतानी है। तो आपको पता है कि सैलरी किससे बनती है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर से आपकी क्या बन जाएगी, कितना खर्च हुआ और कितना सेव हुआ उतनी आपकी क्या है एक्सपेंडिचर, मतलब आपकी सैलरी बन जाएगी, ठीक है। तो आप जैसे एंटर करोगे आप देखोगे कि 60,000 जो है वो सैलरी बन गई सुशील की। अभी आपको एक एक प्लस करने की जरूरत नहीं, आप क्या करोगे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तब भी आपका ये ऑटोमेटिकली जो है आपका फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा नीचे। तो अभी आप देख रहे हो 10 + 6 = 16,000। तो अगर मैं इसके ऊपर करता हूं तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, G9 और H9 को ले रहा है, इस केस में G8 और H8 को ले रहा है, इस केस में G7 और H7 को ले रहा है। तो आशा करता हूं कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि आप फॉर्मुला को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, जैसे पहले ये इसको इन दोनों को ऐड कर रहा है, ऑटोमेटिकली इन दोनों को ऐड करेगा, ऑटोमेटिकली इनको करेगा, इनको करेगा, इनको इनको करेगा, ठीक है। सिमिलरली आप सब्ट्रैक्शन के केस में भी देख सकते हो, आपके पास सैलरी इतनी है, सेविंग इतनी है, तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सैलरी माइनस सेविंग, तो आपका क्या निकल गया, एक्सपेंडिचर निकल गया, ठीक है। और सिंपली आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली आपका क्या करेगा, एक्सपेंडिचर निकाल देगा, ठीक है। तो अभी इसका एक्सपेंडिचर का देखते हैं, तो आप देखोगे कि N9 - O9, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, आप जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आपका स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंट कर देगा। अब आप एक चीज देखो कि आपको यहाँ पे सैलरी दिए मंथली, आपको बोला ईयरली निकालो, तो आपके पास तो एक ऑप्शन है 12 लिखो और आप यहाँ पे क्या करो मल्टीप्लाई कर दो इनटू दिस, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि आपके पास ईयरली आ गई है, बट अब आप एक चीज देखोगे कि मैं ऐसे करता हूँ तो आपके पास 0000 आने लग पड़ा है, ठीक है। क्यों 0000 आने लग पड़ा, क्योंकि जब आप देखोगे कि आपका एक सेल तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है और एक सेल ये मल्टीप्लाई हो रहा है, T4 वाले में आपने कुछ भी नहीं लिखा है ना। तो एक तो केस ये हो सकता है कि आप ये 12 कॉपी करो और ये सारा 12 यहाँ पे भर दो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ईयरली इनकम आ जाएगी, ठीक है। या एक तो तरीका आपके पास ये भी हो सकता है कि आप ये वाला 12 हमेशा यूज करना चाहो अपने फॉर्मूले में, जैसे आपने ये वाला T3 किया ना, तो इसमें भी आप क्या बोलो यहाँ पे T3 हुए, तब भी आप देखोगे कि आपकी वैल्यू आ जाएगी, है ना, यहाँ पे भी T3 करेंगे। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये कैसे, मतलब ये वाले सेल्स तो इंक्रीमेंट हों बट ये वाले जो हैं वो फिक्स्ड ही रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सेल रेफरेंस में देखने वाले हैं तो ये कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे 12 लिख लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ईयरली सैलरी आ गया। बट आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप सिर्फ ये एक फॉर्मूला, एक यहाँ पे एक फॉर्मूला इस T4 को कांस्टेंट रखो, तो जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपका बाकी तो सारा चेंज होगा, बट ये वाला T3 जो है वो चेंज होगा, ये S3, S4, S5, S6, S7, S8 और S9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम आगे सेल रेफरेंस में देखेंगे, ठीक है। ये मैंने स्लाइड में बता देता हूँ आपको, सेल रेफरेंस में हमारे पास ये है रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस होती है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आपके पास डिवाइड का भी सेम कॉन्सेप्ट है, आपके पास ईयरली दिया और आपको मंथली सैलरी निकालनी है, तो आप क्या कर सकते हो, ईयरली सैलरी को डिवाइड कर सकते हो किससे, मंथ से, 12 मंथ्स होते हैं हमारे पास, तो ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो गया वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपको दिखाएगा कि डिवाइड का एरर आ रहा है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ऐसे टल कर सकते हो और ये आपको क्या दिखाएगा, आपकी मंथली सैलरी, ये सैलरी जो है ये क्या आएगी आपके पास, मंथली सैलरी आ जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ थोड़ी सी समझ आई होगी आपको, और ये बताऊंगा कि अगर ऐसे 12 लिखा रहे तो इसको कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी वे है बट मैं इसको नेक्स्ट क्लास में करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।